You don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust and let go and see what happens. Sometimes क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम बहुत कुछ चीजें प्लानिंग से करते हैं. जैसे आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब ये कोरोना काल आया तो बहुत सारे लोगों की प्लानिंग रखी रह गई. आपको ध्यान होगा हम और आप बहुत सारी प्लानिंग्स के साथ काम कर रहे थे. जैसे आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने टारगेट किया हुआ था कि इस साल एग्जाम देंगे, इस साल सिलेक्शन के बाद में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कोरोना ने बहुत से लोगों की प्लानिंग बिगाड़ दी. कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां पर आपको निकलने का कोई एग्जिट प्लान नजर नहीं आता है ना. लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा कि आप एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां से आपको लगेगा कि या तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, और अगर रास्ता समझ आ रहा है तो फिर ये टिक नहीं आ रही है कि मुझे यह जाना क्यों चाहिए. कई बार ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएंगी. जैसे आपने कभी एग्जाम दिया, एग्जाम देने के तुरंत बाद रिजल्ट का इंतजार, एक ऐसा ही फेज होता है. दूसरा, आप रिजल्ट के इंतजार से पहले एग्जाम कौन सा दे इसका डिस्कशन चल रहा है. आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें एक ही बार में तीन तीन एग्जाम देने की सूझ रही है. यार सर पढ़ा रहे हैं, मॉर्निंग में हम तो फुल मोटिवेट हो जाते हैं, चलो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं. सर ने कहा है कि स्टेट पीसीएस की नौकरी तो अच्छी ही होती है, हमारे राज्य का स्टेट पीसीएस निकला हुआ है, चलिए वो भर लेते हैं. अच्छा, हर साल नौकरी निकालने के लिए एसएससी और बैंक जानी जाती है, तो यार एक छोटी नौकरी पहले पकड़ लेते हैं फिर कर लेंगे. तो ऐसी तिराहे पर या चौराहे पर आप आके खड़े हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में करें क्या, मतलब जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जब कॉल लेना बहुत मुश्किल हो रहा हो, तो हम किस रास्ते पर चलें. तो बहुत आसानी से आंसर लिया जा सकता है, बहुत मुश्किल से भी आंसर लिया जा सकता है. आसान आंसर में मैं अगर कहूं तो आप केवल पेशेंस रखें, इस चीज का पेशेंस रखें और चीजों को खुली आंख से केवल विजुअलाइज करें, एनालाइज करें, और जितना हो सके अपने आप के साथ बैठें. रादर देन किसी और के साथ बैठने की, किसी और के प्रभाव में आने से बेहतर है आप पहले खुद से अपनी क्षमता को पहचाने, आप अपने आप को जाने. कई बार ऐसा होता है कि हम जिसके साथ घूम रहे हैं उसके सामने इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में हम कई बार लंबा लंबा कमिटमेंट कर जाते हैं. हम कमिटमेंट कर गए, किसी ने कहा कि हाँ बस यू कैन डू इट, और भैया वो करते करते आप जो है पता है आपको कि मेरा पोटेंशियल नहीं है. पोटेंशियल से मतलब अभी मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा छूटी हुई है, मेरा बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, लेकिन जबरदस्ती में हाँ कर दिया कि हाँ हाँ हम भी करेंगे, और ऐसी स्थिति में परिणाम जो वही निकलता है जो आपने सोच रखा है. परिस्थितियों को बेहतर समझने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने आप को समझें, और अपने आप को समझने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस हमेशा मालूम रखें. अपने आप से कभी झूठ ना बोलें, है ना. मैं विद्यार्थी जीवन में एक बहुत कड़वा सच आपसे साझा करना चाहता हूं. आप सबको पता है आपकी कमजोरियां क्या हैं, लेकिन आप पूरी जिंदगी एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को यह ना पता चले कि आपकी कमजोरी क्या है. ठीक बात है. और आप एक आभासी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, एक वर्चुअल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं. आप कोशिश करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग मैं दिखना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि मैं इंटेलिजेंट हूं, उनको लगना चाहिए कि मैं समझदार हूं, उनको लगना चाहिए कि मेरे बिहेवियर बहुत अच्छा है, और हम अपने आप को भूल जाते हैं. देखिए आप जैसे हैं, अगर आपकी परीक्षा के लिए आपका व्यवहारिक होना जरूरी है तो व्यवहारिक बनिए, आपकी परीक्षा के लिए आपका डिसेंट इंटेलिजेंट होना जरूरी है तो बनिए. आपका जो मुख्य उद्देश्य है ना उसके लिए प्रयासरत रहिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपने आप को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, पहला पॉइंट. और दूसरा, जब भी परिस्थितियां आपके सामने आए तो उनका मूल्यांकन खुद के साथ बैठकर करें, किसी अन्य के साथ अपनी कमियां और अच्छाइयां चर्चा ना करें. कमियां और अच्छाइयां बताने के लिए लोग आपको बहुत मिल जाएंगे कि देखिए आप में ये कमी है, आप में ये अच्छाइयां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और के द्वारा बताई गई कमी आपका मोटिवेशन कम करती है. बजाय इसके आप अपने आप के साथ बैठे अपनी कमियों को नोट डाउन करें कि यार मुझे आंसर लिखने में बहुत दिक्कत आती है, कि यार मुझे फैक्ट्स याद करने में बहुत दिक्कत आती है, या फिर मुझे कंसंट्रेशन बनाने में बहुत दिक्कत आती है, मैं उतना अच्छा आंसर लिख नहीं पाता जितना अच्छा बोल लेता हूं, मैं उतना अच्छे से कह नहीं पाता जितने अच्छे से लिख लेता हूं. ये सारी चीजें हैं, आप उन्हें लिखें और उन पर काम करें.